बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। आज चौदहवीं बरसी है जो कि हम यहाँ पर मिल के बैठ के उनको याद करके उनकी जो यादें हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर हों, चाहे वो यहाँ पर जो हमारे मौजूद हैं गेस्ट उनके साथ बातें कर रहे हैं, और वो यादें जब दोबारा आती हैं तो आप उसी टाइम में चले जाते हैं और वो लगता है कि जैसे वही वक्त दोबारा आ गया। मगर कोशिश है कि उनको याद किया जाए और आप तक वो तमाम बातें पहुँचाई जाएँ जो शायद आप नहीं जानते। ज़ाहिर है मौसीकी के हवाले से या काम के हवाले से तो हम जानते हैं, मगर उनकी शख्सियत के हवाले से जो जो वक्त जिन्होंने साथ गुजारा होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, उस्तादी और शागिर्दी की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर आप मौसीकी सीखते हैं वहाँ पर जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो आपका रहना सहना है या जो आपका इखलाक है वो भी ट्रांसफ़र होता है ना। Yes. तो हमने माशाल्लाह आपके वालिद साहब के बारे में भी ये बात सुनी कि बहुत अजीम इंसान थे। yes. और मतलब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से तो दुनिया जानती है, क्योंकि जब इतना बड़ा आर्टिस्ट होता है तो उसकी बातें जो होती हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं, और लोगों की बहुत मदद करते थे, लोगों की बहुत खिदमत करते थे। इस हवाले से कोई चीज़ शेयर कर खान साहब का असल में जो कुछ क्वालिटीज़ थी जो फनकारों में बहुत कम होती। फनकार जब हो जाता है ना तो याद रखिए कि उसको पता ज़रूर चल जाता है कि मैं आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, और उसके एटीट्यूड में वो आर्टिस्ट आ जाता है, इंटर हो जाता है। अच्छा, ये आप अभी आप हमसे जब ब्रेक हुई है तो बात हुई है कि आजकल जो हो रहा है मतलब कोई बॉदर नहीं करता, किसी को कोई बॉदर नहीं करता कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कोई नहीं बॉदर करता। उनकी क्वालिटी थी कि जी वो पीटर गैब्रियल के साथ काम करके आए, ठीक है, उन्होंने नहीं बताना। क्या बात है, आके बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। हाँ। आपने बुला लिया है तो बोल पड़े हैं प्यार मोहब्बत से। ये नहीं कहना कि वो वहाँ पे ये हुआ, फिर ये नहीं कि जी अगर पीटर गैब्रियल के साथ हुआ काम कर कोई बात है, तो आके वो अकड़ मतलब कि मैडोना उनकी खबर लेने आई है हॉस्पिटल, ठीक है, तो उन्होंने कोई नहीं बताया, न्यूज ने बताया, वो नहीं बताते थे कि भी वो इम्प्रेशन अच्छा उनका या उनका बताना क्या था कि उनकी सबसे बड़ी दोस्ती थी हारमोनियम से। सही। मतलब वो जब बैठे हैं तो उन्होंने कहा हारमोनियम ले आओ, बस इससे ज्यादा वो बात नहीं करते थे। अच्छा, फिर ऐसे लोग भी नजर आए हैं जिनको उस्तादान हैं वो, उनके नाम बहुत बहुत बड़े, लेकिन थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा यू नो उनकी मतलब चुप चुपा के मतलब करते रहना उन्होंने, और बढ़ चढ़ के बात नहीं की कभी भी। और हमारे जो है ना जी, हमारे लिए एक बहुत बड़े आज़ाद की बात है कि हमारे अब्बा जी की बरसी हो रही है, अरूज का ज़माना, ठीक है, अरूज इतना कि हम एक बार गए हैं जिम खाना, पहला शो दम मस्त कलंदर का, क्या बात है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि पीसी से भी आगे तक गाड़ियाँ ऑन द रोड लगी, तो मैंने ऐसे फ़ोन किया कि जी आज मैंने आना है जी। मैं बहुत कम जाता था जी शोज पे, इसलिए कम जाता था कि जब वो शो पे जाते थे तो 35-40 बंदे एमी टुरे होते थे, तो आई डोंट वांट बी एमी, मैं एमी नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे वो चचा थे, मेरे उस्ताद थे, उनको मेरे से स्पेशल प्यार था, मैं नहीं जाता था। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊँ, तो मैं गया। आप यकीन जाने कि हमें अंदर क्यों जाने दे स्टूडेंट बंदे, वो नहीं जाने दे। उस जमाने में तो बहुत स्टूडेंट होंगे, बहुत मतलब वो आए जी, वो आए हाजी साहब, उन्होंने अंदर से भेजा कि उसने फोन किया तो वो आ गया होगा। अच्छा, तो वो ऐसे करके मुझे लेके गए, तो खान साहब स्टेज पे थे। हाँ। उन्होंने कहा एथे बे, बड़ी बात है। मैं पीछे बैठ गया, और अरूज मेरे लिए ये एहसास की बात है कि खान साहब ने सारी सारी रात मेरे साथ प्यार किया और मुझे सुन रहे हैं। क्या बात है। 89 में एक मेरी इवनिंग हुई, उसके वीडियोज हैं मेरे पास, ये मेरे एहसास की बातें हैं। बिल्कुल सही। तो उस वक्त हमारा भाई जो आज हमारा फख्र है, जिनका नाम है राहत फतेह अली खान, ठीक है, हमारे खलीफा भी हैं, हमारे यार भी हैं, भाई भी है, तो ना वो कम उम्री में वो भी बैठे हुए हैं, और चचा दूसरे फरुख फतेह अली खान साहब वो बैठे हुए हैं, इशफाक अहमद खान, मेरी शाम हो रही है। तो मैंने वहाँ पे गज़ल को मॉडर्नाइज और गज़ल जो हिस्ट्री है वो पेश किया। अच्छा, मिक्स करके, और खान साहब
आधा घंटा पहले बैठ के सरप्रस्ती ये थी, सही यू नो, ये नहीं कि बस सिखा दिया फिर चेक भी करते थे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और फिकर से आना खुश हो रहे हैं कि यार मैं फिकर से जाऊं और मेरे बच्चों ने बुलाया, ब्लेस्ड कि इतनी मोहब्बत उनकी आपके साथ, और स्टेज पे बैठ के उन्होंने यही कहना है जब कमेंट्स आए इशफाक अहमद बोले जब मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न गाया ये भी एजाज है कि इशफाक अहमद कहते हैं कि नदीम जब गाता है ये मेरे भाई का बेटा है सलामत अली का, कैसे उर्दू बोलते थे तो कहते हैं कि जब ये गाता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई पुरानी मुगलिया दौर की इमारत से कोई स्कॉच खेलने वाली लड़की बरामद हो रही है। ओए होए, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज़ कहते हैं इमारत मजबूत है। क्या बात है, एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और आप जाना कि कितनी मतलब कितनी मोहब्बत थी उनको इनसे और कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था और हम लोगों ने बिल्कुल सही लोगों को बुलाया, हु कैन टॉक अबाउट हिम। एक कॉल है फरजाना की हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी फरजाना, कैसी हैं और क्या कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अरुण? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने यही मुस्तफा फतेह साहब के हवाले से बात करनी थी जी जी, कि उनकी जात पे या उनकी गायकी पे तो जितनी भी बात की जाए वो कम है और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। कोई भी सॉन्ग ले लें उनका इस तरह सुनने से ये महसूस होता है जैसे कोई रूह से गा रहा हो, और मैं तो उनकी इतनी फैन हूँ के सुनते ही कुछ ना खुनूदगी सुनने लगती है और ऐसा लगता है कि हम ना पता नहीं कहाँ हैं और कुछ याद नहीं है उनकी कहीं कहीं आपको ले जाती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने कहा आपको जो गायकी होती है वो मुख्तलिफ यादों के अंदर ले जाती है ना, और बड़ी खास बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब वो कोई खुशी का गाना गाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, जब कभी कोई दुखी गाना गाते हैं तो आंखें भी भर आती हैं। उनकी गायकी का यही तो एक है ना अंदाज, वो सबसे मुख्तलिफ हैं, उन जैसे तो कोई है ही नहीं, और उनके जाने से वाकई एक ऐसा खला है जो कोई भी ना मेरा ख्याल है कि पूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, थैंक यू फरजाना फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा मैं अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, आप लोग बहुत क्लोज थे उनके, यू नो मतलब होते हैं ना कि जिस तरह माशाल्लाह सातों भाई आई एम श्योर वो भतीजों की तरह ही ट्रीट करते होंगे, मगर कुछ लोगों के साथ जैसे आपके साथ बड़ी क्लोजनेस थी, आपके साथ बड़ी क्लोजनेस थी, आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, सारों के साथ ही। अच्छा मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी उनको रोका नहीं था, मतलब जिस तरह से वो अपना ख्याल नहीं करते थे और हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, रेस्ट नहीं करते थे? ये मैंने जब मैं इंडिया गया था ना जी साथ, तो मैं बहुत मतलब रोया भी था उस चीज़ के, बहुत सारे उनके साथी गवाह हैं इस बात के, क्योंकि वो एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे वो डायलिसिस करवाते थे एंड डूइंग द शोज भी वो भी कर रहे हैं। Oh my God. और साथ साथ उन म्यूज़िक कंपोजिशन भी हो रही, फिल्मों का म्यूज़िक भी हो रहा है, और कलकत्ते भी शो है, बॉम्बे भी शो है, दिल्ली भी शो है, तो और मैं उनके साथ होता था, तो उस वक्त ये हमारे ताफो खान साहब तबला नवाज वो भी साथ थे। अच्छा। तो इनकी भी बहुत बड़ी वहाँ पे उन्होंने सही खान साहब ताफो खान साहब को वहाँ पे साथ लेके गए कि आप मेरे भाई हैं, आप नायाब हैं, क्या बात, और आपने वहाँ पे कलकत्ता में परफॉर्म कर, मतलब ये कि अपनों को किस तरह से प्रमोट, ये नहीं कुछ होते हैं ना लोग जो खुद से इज्जत मिल गई तो खुद ही ऊपर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इवन राहत की किस तरह से ट्रेनिंग की, राहत फतेह खान की बहुत बचपन से, बचपन से मुझे याद है वो एक छोटा सा बच्चा जो था कोने में बैठ के तो हर वक्त उनके साथ गा रहे हैं, उस वक्त भी रजिस्टर होता था, उन्होंने तैयार किया। एक और रजिस्टर्ड बात है कि उस्ताद फतेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब की बरसी शुरू हो गई 30-35 साल 40 साल पुरानी, उस पर यह था कि सारी सारी रात वो दो रातें वो तकरीब होती थी कॉन्फ्रेंस म्यूजिक की, तो एक मतलब थोड़े से हेल्दी सारी रात वो बैठ के मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद सलामत अली खान, पूरी दुनिया के आर्टिस्ट यहीं पहुंचे हुए, वो सुन रहे हैं बैठे हुए सारी रात, और हम लोग हम फौरन कहते हैं कि ज़रा मैं बाहर जाऊँ कहीं भी लंबा शो हो रहा हूँ, दो रातें उन्होंने बैठना, उसमें ही भी राहत अली खान की वो भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है।
और हमारी भी वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, क्यों हम पूरी पूरी रात वहाँ पे बैठते थे और परफॉर्म करते थे, परफॉर्म भी करते हैं बिल्कुल से, मतलब ये ट्रेनिंग रही। आपने परफॉर्म की बात की ना, परफॉर्मेंस की बात की, और आपने बहुत उनके सामने गाया बहुत सारा, और खैर माशाल्लाह आप वही दुआ भी है उनकी, उनकी कहते हैं हम, मेरा तो ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जिनसे इतनी मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं ना, वो इस दुनिया में ना भी रहें तो आपको एक फीलिंग ज़रूर होती है कि वो आपको देख रहे हैं, वो देखे गए, वो आपको आपको गाइडलाइन कर गाइड करते हैं एंड ऑल दैट। तो हम ये चाहेंगे कि अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो बातें उनके साथ साथ हम चाहेंगे कुछ हम उनकी भी कवालियाँ, कुछ आपकी भी कवालियाँ जो हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि जब हम वो सुनेंगे तो उसके ज़रिए भी हम उनकी उनकी वो जो यादें हैं हमारे साथ वो मेरा ख्याल है उसको शेयर करेंगे। जी यहाँ पे रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़े कवाली का जो सिलसिला है उसका शुरू करेंगे, और क्योंकि उनका जिक्र हो, उनकी बात हो और कवाली ना हो, मेरा ख्याल है ये नामुकम्मल सा हो जाएगा शो। सो आफ्टर वी कम बैक इंशाल्लाह कवाली का सिलसिला शुरू करेंगे। रब ने बनाया।